Five things to keep in mind if you are in 9th or 10th right now. Welcome to Genesis Digital. मैं हूं डॉक्टर अभिनव पवार, MBBS from ASU Delhi. बच्चों, ये जो टाइम है, जो लेटेस्ट लॉकडाउन लगा है, ये एटलीस्ट 2 to 3 months तक रहने की उम्मीद है. और अगर ये 2 to 3 months तक रहा और आपने इस टाइम को पूरा वेस्ट कर दिया, तो आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो बहुत आगे निकल जाएंगे आपसे. क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने ड्रीम्स को लेकर सीरियस हैं और वो इस टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करने वाले हैं. तो मैं लेके आया हूं ऐसी 5 टिप्स जिनसे आप जो अपना ये टाइम है बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं. और जो आपका ड्रीम है, अगर एक डॉक्टर बनने का है या IIT बनने का है या लाइफ में कुछ भी अच्छा करने का है, उसमें आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा. तो नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मेक अ डेली शेड्यूल. अब क्या होगा, क्योंकि आपके स्कूल्स बंद हो गए हैं और 2 से 3 महीने तक आपको स्कूल नहीं जाना है, तो आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा. आप सारा दिन घर के अंदर बंद रहोगे और बहुत इजी है घर के अंदर सारा टाइम जस्ट वेस्ट कर देना. कि आप बस बेड पे लेटे हो और आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और आप बस लेट के बोल रहे हो कि नहीं यार, मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा है. तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, दिन को पूरा एक शेड्यूल करो कि किस टाइम से किस टाइम तक आपको पढ़ना है, किस टाइम से किस टाइम आपको खेलना है, किस टाइम से किस टाइम आपको अगर कुछ देखना है, टीवी देखना है या कोई नेट पे कुछ देखना है आपको, तो किस टाइम से किस टाइम करना है. एक डेली शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल पे स्टिक करो. उस शेड्यूल को आपने फॉलो करना है एज मच एज यू कैन. तो जितना भी अगर आप स्टडी के लिए सिर्फ अगर 3-4 घंटे भी निकाल रहे हैं, अगर आपने इफेक्टिवली स्टडी की, दैट इज मोर देन इनफ. नंबर 2, स्टडी जब भी करनी है या क्लासेस जब भी आपको ऑनलाइन लगानी है, आपको इस तरीके से नहीं करना कि आप बेड पे आराम से लेटे हो रजाई में और लेट के आप क्लासेस लगा रहे हो. नहीं, बहुत ज्यादा नींद आएगी, आपका फोकस ही नहीं बन पाएगा. तो आपको क्लास को क्लास की तरह लगाना है. बिल्कुल उठ के नहा धो के तैयार होके जैसे आप स्कूल में जाते हो, बिल्कुल उस तरीके से आपको टेबल एंड चेयर पर सीधा बैठ के क्लास को फुल अटेंशन के साथ लगाना है, जिससे कि आपको जो टीचर बोल रहा है वो अच्छे से समझ में आता रहे. नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप इस टाइम पे अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना शुरू कीजिए. कि आपको आगे जाके पूरी लाइफ में करना क्या है. इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, तो उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए. इफ यू वांट टू बी एन IITian, तो आप वहां तक अपनी थॉट प्रोसेस को लेके जाइए. तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, आप कुछ लोगों से बात कीजिए. अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड या कोई बड़ा भाई या बहन डॉक्टर है, तो आप उनसे बात कीजिए. IITian है, आप उनसे बात कीजिए. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल पर आपको सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे. जितने मेरे रिसेंट ईयर नीट टॉपर्स हैं, रिसेंट ईयर JEE टॉपर्स हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अपना ड्रीम बहुत पहले सोच लिया था कि उन्हें क्या बनना है. आप उनके इंटरव्यूज देखिए, आपको ये चलेगा पता कि बच्चा सोचता कैसे है, कि उन्होंने कब डिसाइड किया था और फिर उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे अल्टीमेटली जो वो सक्सेसफुल हुए. तो आपको ये काम अभी से ही स्टार्ट कर देना है. नंबर 4 क्या है, आपको इस एक्स्ट्रा टाइम को जो 2 to 3 months मिनिमम आपको मिल रहे हैं, आपको ये एक्स्ट्रा एज देवाएं आपको इस तरीके से यूटिलाइज करने हैं. तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट करना है. अगर आप 9th में हैं, 9th का सिलेबस बहुत हद तक सेम है 11th के सिलेबस से, तो आप 9th के सिलेबस के साथ साथ थोड़ा बहुत 11th के सिलेबस को टच कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप 10th में हैं, 10th का सिलेबस सेम है 12th के सिलेबस जैसे, तो अगर आप 10th में हैं, तो 12th के सिलेबस को थोड़ा सा टच कर सकते हैं. तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा. क्योंकि अब जब आप 11th में आएंगे, आपके लिए कोई नई चीज नहीं रहेगी, आपके लिए ऐसी चीजें होंगी जो आपने थोड़ा थोड़ा पहले किया हुआ है. हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो इसी की कंटिन्यूएशन है कि जेनेसिस डिजिटल आप लोगों के लिए आया है बहुत ही अल्ट्रा लो प्राइस में कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें आपको अगर आप 9th क्लास में हैं तो 9th और 10th के 2 ईयर कोर्सेज हैं, और अगर आप 10th में हैं तो 10th में ही आपकी 9th और 10th दोनों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवा दी जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स चारों की. इससे क्या होगा, एक फाउंडेशन मिलेगी, और उस फाउंडेशन अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, तो आप 11th या 12th में कुछ भी चूज करते हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल, आपको एक बहुत एक्स्ट्रा एज मिलेगा ओवर योर अदर कॉम्पिटिटर्स. जैसे नीट में अराउंड 17 लाख बच्चे आज के टाइम पे बैठते हैं. अगर आप एग्जाम 4 साल देने वाले हैं, आप लेके चलिए 4 साल बाद 20 से 25 लाख बच्चे बैठ जाएंगे. 1% से भी कम सिलेक्शन रेशियो होगा, क्योंकि इतनी सीट्स, 20,000 अच्छी सीट्स भी नहीं है हमारी कंट्री में. तो 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कॉम्पिटिशन कितना टफ होने वाला है. तो ऐसे कॉम्पिटिशन में कोई भी चीज जो आपको एक्स्ट्रा दिलवा सकती है, आपको जरूर यूटिलाइज करनी है. और जो ये हमारे कोर्सेज हैं, बहुत ही लो कॉस्ट में होंगे, मिनिमम से मिनिमम रखा जाएगा. और आपको क्वालिटी दिखाने के लिए हमने इनिशियली जो थोड़ी ट्रायल क्लासेस हैं वो स्टार्ट की हैं. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ट्रायल क्लासेस के लॉगिन कीजिए, और आपको ट्रायल क्लासेस में ऐसे ऐसे टीचर्स पढ़ाएंगे जिन्होंने पिछले 20-25 साल से इतने अच्छे से पढ़ाया बच्चों को, कि जिनके पढ़ाए हुए बच्चे टॉप मेडिकल कॉलेजेस में और टॉप IITs में पढ़ रहे हैं. साथ में ही बायो का कुछ पोर्शन, मैं खुद MBBS हूँ ASU Delhi से, और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2015 में. तो बायो का कुछ पोर्शन मैं भी आप लोगों को कराने आऊंगा,
क्योंकि मैं आप लोगों को चाहता हूँ, जितने भी लोग आप में से डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैं उन लोगों से बात करूं, उनके ड्रीम्स को और जगाऊं, और मैं उनको बताऊं कि उन्हें क्या करना है अगर वो डॉक्टर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बनना चाहते हैं तो. तो मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर अभी क्लिक करो और अपनी रजिस्ट्रेशन करो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.